हेलो स्टूडेंट्स प्यारे बच्चों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ये अपने 2501 2023 शिफ्ट टू जे मैन रेजोनेंस के मेमोरी बेस्ड केमिस्ट्री सॉल्यूशन में माय सेल्फ विजय जैन सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी तो मैं यहाँ फिजिकल इनऑर्गेनिक पार्ट जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमें मिले उसका आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूँ आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हो गया होगा और आप सब बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे ऑल द बेस्ट तो लेट्स स्टार्ट विद द द फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग तो हम जानते ही मेटल्स क्या होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं तो पोटेशियम ज्यादा है मैग्नीशियम ठीक है उसके बाद अपन ले सकते हैं बेरिलियम तो छोटा साइज है आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और सिलिकॉन में तो रिएक्टिविटी के हिसाब से थोड़ा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी है तो ये सिंपल सा अपन कह सकते हैं कि ब्लॉक केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेस्ड उस तरह का क्वेश्चन है इजी सा क्वेश्चन है इसका हमने यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन भी आपको दिया है कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन एसिडिक मीडियम के टू सी आर टू ओ सेवन के टू सी आर टू ओ सेवन सब जानते हैं कि बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमें पता है क्या होता है रिडक्शन होता है तो ये बहुत फेमस कलर चेंज वाला रिएक्शन है जहां ये ऑरेंज से किसमें होता है ये ग्रीन होता है तो एल्कोहल मीटर वगैरह उसके में भी ये यूज़ में होता है है ना जो है क्योंकि जिन्होंने जैसे ड्रिंक किया हुआ है तो उनकी ब्रीदिंग ब्रीथ से इथैल अल्कोहल निकलेगा तो इथेल अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज़ कर देगा और ख़ुद रिड्यूस हो जाएगा तो वो ड्रिंक किए हुए तो फिर वो कलर ऑरेंज से क्या हो जाएगा ग्रीन तो वो डिटेक्ट हो जाता है तो सिक्स से एक्स मान के निकाला ये यहाँ पे क्या हो गया बोलो थ्री हो गया तो प्रटी सिंपल अपन जने कितनी बार इस रिएक्शन को हाफ रिएक्शन को यूज करते हैं और सबको बहुत अच्छे से ये आता है कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें H प्लस एंड कंसल्टेशन है ठीक है माना ये C है इनिशियली तो pH मेरा इनिशियल क्या हो गया P क्या होता है बेटा माइनस लॉक सी ओके okay. अब क्वेश्चन में है ना आईने के का क्वेश्चन इसको इंक्रीज कर दिया गया है कैसे कर दिया गया है बाय फैक्टर ऑफ थाउजेंड ठीक है तो ऑब्वियसली H प्लस एन कंसल्ट्रेशन बढ़ाओगे तो पीएच घटेगा ही सही तो लेट्स टेक द नेगेटिव लॉग ऑफ इट

माइनस थ्री तो वी कैन से डिक्रीज बाय थ्री तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन केयरफुली आपको करना रहता है क्योंकि कैलकुलेशन कुछ एरर हो सकती है लॉग वगैरह लेने में तो अच्छा क्वेश्चन है सिंपल ही है लेकिन केयरफुली तो करना चाहिए रीचेक तो करना ही चाहिए है जो आई होप आपने सही किया होगा डिक्रीज बाय थ्री यहां भी हमने आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड किया Now, नेक्स्ट में आप देखिए कि मतलब कॉम्प्लेक्सेस बहुत सारे हुए हैं अब जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो उतना ही ज़्यादा क्या करता है जो है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करता है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी क्योंकि ज़्यादातर ये सब छः कोऑर्डिनेशन नंबर के दिए हुए हैं तो हमें याद देखिए ऐसे गैप आ जाता है ये टी टू जी वाले ऐसे होते हैं ऑर्बिटल और यहां पे क्या होते हैं हमारे पास ई वाले होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं डेल्टाओ ऑक्टा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा करेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली नीचे ही रह, रह जाएंगे कम एनर्जी में तो ज्यादा स्टेबिलिटी लाएगा ऊपर नहीं जा पाएंगे वीक होगा तो फिर वो इतना स्प्लिट नहीं करता तो उसमें तो कुछ नीचे फिर ऊपर फिर एक एक आने के बाद फिर नीचे जैसा कि अपन सी में पढ़ते भी हैं तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये यूज हो गया कि एस है तो वो डेल्टा ओ ज्यादा करेगा और हम डेल्टा ओ का फॉर्मूला एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी जानते हैं एच सी ओवरलैम तो बेटा ये ज्यादा है तो ये क्या होगा कम होगा तो आपको क्या करना है भाई तो एस एफ एल है बहुत ही खतरनाक लिगेंड है बहुत पावरफुल लिगेंड है फिर अमोनिया उसके बाद वाला है सी और एन वाले इन जनरल अपने सिलेबस के हिसाब से एस एफ एल होते हैं ओ हेलोजन वाले डब्ल्यू एफ एल तो फिर इसमें डब्ल्यू एफ एल वाले और आने लग गए तो मेरे को ये चाहिए कि इसमें मैं सबसे छोटा वाला लैम्डा ढूंढू तो मेरे को दिख रहा है ये उससे ज्यादा वाला मैं क्या करूं जो है वो बी वाले में ढूंढू तो वो मेरे को ये दिख रहा है फिर ये थोड़ा सा वीक वाला लिगेंड आ गया तो थोड़ा इससे ज्यादा वाला लैम्डा देख लो तो ये आ गया है ना और एक इसमें रह गया है इस तरह से अपन तो अच्छा क्वेश्चन है आपको इसमें कुछ आइडियाज होने चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर इनकी स्प्लिटिंग इनका डेल्टा ओ और उस हिसाब से जो ये लैमडा ओ जो भी हो रही है ना उसको क्रॉस का रिलेशन तो ऐसे इसको करना है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऑक्साइड्स आप जानते हैं एसिडिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो सी तो न्यूट्रल है न्यूट्रल तो ले देखे बहुत कम होते हैं एन टू ओ एन ओ सी ओ ओ एफ टू ले सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में वो एच एफ दे सकता है लेकिन जनरली तो मतलब ओ एफ टू को न्यूट्रल में ही ले लेते हैं है ना तो मैंने चार न्यूट्रल बताया एन टू ओ एन ओ सी ओ जैसा कि क्लास में भी आपको पढ़ाते हैं हम और ओ एफ टू ओ एफ टू एक्सट्रीम कंडीशन में एच एफ दे सकता है वो एसिडिक साइड में जा सकता है पर ये जनरल तो न्यूट्रल में ले सकते हैं सी ओ टू वीकली एसिड एक कार्बोनिक एसिड बनेगा तो पूरा सही है इसमें कोई दिक्कत नहीं है और क्या कह रहे हैं ये ऐसे है और सी ओ वाटर में कोई रिएक्शन ही नहीं है अब वो नालायक रिएक्ट ही नहीं हो रहा है तो फिर कहाँ से वो फिर आ, करके एच प्लस या ओ OH एच माइनस ऑक्साइड वो देगा तो पॉइंट ये है कि दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और मैचिंग भी है है ना लाइक दिस तो ऐसे क्वेश्चंस अपन देख ही रहे हैं मेन में आ ही रहे हैं कि अशन रीजन स्टेटमेंट वन टू वाले या एक कॉलम वन कॉलम टू वन टू वन मैचिंग के स्टूडेंट्स आई होप इनको अच्छे से केयरफुली कर रहे होंगे इनमें एलिमिनेशन मेथड भी काम कर जाता है कहीं बैठ जाता है मतलब जैसे मैचिंग में तो फिर एक लास्ट वाले ऑप्शन उसके अकॉर्डिंगली सेट हो जाते हैं नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब LIK क्या कहने टॉपर है ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ द पीरियड टेबल है लिथियम बैटरी का जमाना आ गया है लिथियम का जमाना आ गया है मोटर कार्स में मोबाइल्स में और लिथियम बैटरीज है और आपको जान के ये पता ही होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट है जितना अच्छा उसका इजीली ऑक्सीडेशन होगा उसका इन ओपी ज्यादा होगा तो ये मैक्सिमम इसी का होता है पूरी टेबल में 3.05 पॉइंट बोल्ट होता है बेटा अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो उसमें यही तो नीचे आएगा वैसे देखा जाए तो सभी बहुत शानदार रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन इतने शानदार में से भी क्या पूछा है वीक कौन होगा तो ये तो रिलेटिव बात हो गई क्योंकि कोई को भी मैं कमज़ोर रिड्यूसिंग तो बोल ही नहीं सकता है ना एक्व सॉल्यूशन की केमिस्ट्री मानी जाती है रिड्यूसिंग एजेंट में है ना फ्री स्टेट का नहीं मानेंगे और वो तो फ्री स्टेट लिखा हुआ हो तो अलग बात है लेकिन फिर भी मतलब अपने को दिल मजबूत रखे यही लेना पड़ेगा सब शानदार रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन इसमें सबसे रिलेटिवली वीक वीक पैसे तो है ही नहीं कोई भी सोडियम हो जाएगा यहाँ भी हमने इनके आपको डेटास वगैरह थोड़े दिए हैं है इनमें थोड़ा सा सीजियम का और पोटेशियम का भी मजेदार है पोटेशियम वाला डेटा और सीजियम का नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी ऑफ द एक्शल ऑर्बिटल पूछा है अलोंग एक्सेस ये डमबेल अलोंग एक्सेस अलोंग वाई एक्सेस अलोंग जेड एक्सेस ये क्या है अलोंग एंड वाई ये क्या होता है अलोंग जेड इसमें होता है और circular ring होती है और सर्कुलर रिंग होती प्लेन में तो बट वी कैन से यहाँ पे हमने आपके लिए बनाए भी है जैसे कि ये डी जैड स्क्वेर ये पी जैड है ना ये पी अलोंग वाई एक्सेस एक्स और ये एक्स और वाई पे ऐसे करके बनाए नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एल्ली मेटल एंड देर सॉल्टार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर इन द फ्लेम राइट वो लूजली बॉन्डेड होता है इनका आउटर इलेक्ट्रॉन फ्लेम से एनर्जी लेके कहा चल जाता है एक्साइटेड स्टेट में फिर वापस आता है नीचे तो एनर्जी क्या करता है इमिट करता है उससे कलरेशन होता है एलक्ली मेटल्स कैन बी आइडेंटिफाई यूजिंग फ्लेम टेस्ट हाँ बिल्कुल सही बात है ड्राई टेस्ट होता है इनके लिए ये होता है थोड़ा सा मतलब इनमें थोड़ा वेटेज है बाकी तो फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट और भी होते हैं लेकिन पॉइंट ये है कि दोनों बातें अपनी जगह सही है लेकिन इसका रीज़न तो वो एक्साइड होने वाला मैंने आपको बताया वो होगा तो नॉट द करेक्ट एक्सप्लेसन अपनी अपनी जगह सही है यहाँ इसको हमने आपके लिए डिटेल में भी बताया एल्की मेटल एंड देयर सॉल्स इम कैरेक्टरिस्टिक कलर टू एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम दिस बिकॉज द हीट फ्रॉम द फ्लेम

आपको एजीसीएल का व्हाइट प्रेसिपिटेट याद आना चाहिए शानदार ओके, ए बहुत ही टेस्ट ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है ये हमारा प्यारा प्यारा वाइट प्रेसिपिटेट अब प्रेसिपिटेट नहीं रहेगा सॉल्युबल हो जाएगा घुल जाएगा कॉम्प्लेक्सेशन हो जाएगा और डायमाइन सिल्वर फर्स्ट आयन क्लोराइड भी लगा सकते हैं अपन है क्लियर सॉल्यूशन इसका हो जाएगा अगर यही एजीबीआर होता तो पार्शली गुलता और एजीआई प्रेसिपिटेट होता तो वो नहीं गुलता एजीबीआर लाइट येल्लो होता है ए जी आई डीप येल्लो होता है एजीबीआर थोड़ा सा घुल जाएगा क्योंकि इनकी सोलिबलिटी में ऑर्डर होता है आपको पता होना चाहिए AgCl सबसे ज्यादा सॉल्युबल फिर AgBr होता है फिर AgI होता है तो मतलब AgI तो CMA ही नहीं देगा सेंट्रल मेटल एटम और आया नहीं नहीं देगा तो फिर कैसे घुलेगा और AgBr पार्शली घुल जाता है अगर मैं कंसंट्रेटेड NH4OH ले लूं तो AgCl तो नॉर्मल NH4OH से घुल गया तो फिर जो AgBr पार्शली घुल रहा था वो थोड़ा घुलने लग जाएगा और जो AgA नहीं घुल रहा था वो पार्शली घुलने लग जाएगा क्योंकि मैंने अब अटैक किससे करवाया लीग बहुत बड़ा दिया कंसनट्रेटेड एन एच फोर तो ऐसे लेकिन इसमें तो इतना कुछ पूछा नहीं प्रटी सिंपल तो बेटा लोग क्वेश्चंस तो हमें और भी मिले हैं लेकिन वो पूरे कंप्लीट नहीं है या डेटास जो मिसिंग थे उनमें तो उसके अकॉर्डिंग जो इनके हमें मतलब पूरे ढंग से क्वेश्चन मिले वो हमने आपको वीडियो सॉल्यूशन भी यहाँ बनाएं फिर ऑब्वियसली पूरा पेपर भी मिल जाएगा तो उसको भी फिर अपडेट कर देंगे तो आई होप आपने फोड़ दिया होगा पेपर बहुत अच्छा किया होगा है ना रिलेटिव है ये तो सारा परसेंटाइल है इसमें अगर कोई टफ है तो वो सभी के लिए आपको तो अपने हिसाब से जो भी सिचुएशन में डाला जाता है उसमें बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए मैनेज करना चाहिए और जो होता है सब अच्छा होता है अच्छे के लिए होता है तो आई होप यू Uh, good luck. All the best. God bless you all.